मैं अमित व्यास जोधपुर राजस्थान से एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। बहुत सारे विद्यार्थियों के प्रश्न आते हैं, मुझसे पूछा व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कि CAN 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 और MAY मेल दो अक्षर आ गए हमारे पास में, एक आ गया कैन और एक आ गया मे। कैन और मे में क्या अंतर है? If you go for the bookish language, अगर आप किताबी ज्ञान की बात करते हैं, वहाँ बहुत सारा ब्ला 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 थिंग्स पढ़ना पड़ता है कि कैन का प्रयोग कहाँ हो रहा है, एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए, मेंटल एबिलिटी के लिए, फिजिकली एबिलिटी के लिए या गिवन पर, इतना याद मत रखो। या मे के लिए क्या लिखा आता है, प्रॉबेबिलिटी हो गया, परहैप्स हो गया, डाउट हो गया, विश हो गया, होप हो गई, संभावना हो गया, उसके लिए मे का आता है। छोड़ो इन सब तरीकों को, इसकी जगह इतना सा याद करो कि कैन का मतलब भी होता है सकता है और मे का मतलब भी होता है सकता है। यदि आपको लगता है कि कोई काम 100% हो सकता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, तो उसमें क्या यूज कर ले कैन। और आपको लगता है यार ये काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, संभावना है केवल, तो वहां पे क्या यूज करेंगे मे। अगर आपको लगता है 100% ये काम हो सकता है तो आप क्या यूज करें कैन, और आपको लगता है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तो आप किसका प्रयोग करेंगे मे का। दोनों का हिंदी रूपांतरण सेम का सेम रहेगा। अगर ये वाला वाक्य पास्ट में चला जाता है तो कैन की जगह वर्ड आ जाएगा कुड, और मे की जगह जो है वो वर्ड क्या आ जाएगा, माइक आ जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मुझे पता है कि राधा तो नाच सकती है और मैं 100% ये बात जानता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, राधा कैन डांस। क्यों बोला कैन, कि राधा 100% नाच सकती है। अब मैं राधा को जानता ही नहीं हूं, मुझे क्या पता राधा नाच सकती है या नहीं नाच सकती है, मेरे मन में संभावना है, शक है, डाउट वाली स्थिति है, तो मैं क्या बोलूंगा, राधा मे डांस, राधा नाच सकती है, मुझे नहीं पता भाई नाच सकती है या नहीं नाच सकती है। इसी तरह से एक अक्षर आपके सामने लिखा हुआ है MUST मस्ट, और दूसरा जो शब्द लिखा है SHOULD। इन दोनों का जो हिंदी रूपांतरण है वो किससे लिया गया है, चाहिए से लिया गया है। आपको लगता है ये काम तो 100% करना ही करना है, अनिवार्य है, वहां क्या यूज कर रहे हैं मस्ट, और आपको लगता है कि सामान्य सलाह सी दी गई है तो वहां किसका प्रयोग करेंगे एडवाइस या सजेशन के लिए, शुड का। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं पानी का बिल जमा होना ही होना चाहिए, तो पानी का बिल तो 100% जमा होना चाहिए, तो वहां क्या यूज करेंगे मस्ट। और अगर मैं किसी को कह रहा हूँ अरे मेरे प्यारे दोस्त गुणेश आपको एप्पल खाना चाहिए, तो एप्पल खाना कोई जरूरी थोड़ी है, क्योंकि सामान्य सलाह है, तो वहां मैं क्या यूज करूंगा, शुड का प्रयोग करूंगा, गुणेश यू शुड ईट एन एप्पल। इसी तरह से एक बहुत ज्यादा कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछा गया अक्सर है, एक शब्द है प्रोहिबिशन। ध्यान से सुनना मेरे साथ, शब्द क्या है प्रोहिबिशन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोहिबिटेड। क्या बोला वर्ड हमने, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिटेड। हिंदी में इसका अर्थ जो है वो किससे लिया गया है, निषेध आज्ञा। अब निषेध आज्ञा तो किस लैंग्वेज होगी, ये हमको समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा आसान बनाते हैं। निषेध आज्ञा का मतलब हो जाएगा नकारात्मक सलाह, निषेध आज्ञा का मतलब हो जाएगा नकारात्मक सलाह। एडवाइस इन नेगेटिव फॉर्म, एडवाइस इन नेगेटिव फॉर्म, लेकिन इसमें विशेष ध्यान ये देना है कि जो सभी पर लागू हो, किसी एक के लिए नहीं होता है, ये सभी पे लागू होता है। ऐसी अवस्था में जो मॉडल यूज किया जाता है वो क्या यूज किया जाता है, मस्ट नॉट। जैसे पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप पे बीड़ियां नहीं पीनी चाहिए, तो किसी एक आदमी के लिए थोड़ी बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, ये सभी के लिए लागू है, कि किसी को भी पेट्रोल पंप पे बीड़ी पीने की जरूरत नहीं है, जहां नहीं पीना चाहिए वहां क्या लिखा जाएगा, मस्ट नॉट। ये स्कूल है, ये अस्पताल है, या हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, तो किसी एक व्यक्ति के ऊपर थोड़ी ये नहीं है, ये सभी के लिए लागू हो रहा है, तो वहां क्या यूज किया जाएगा, मस्ट नॉट, क्योंकि निषेध आज्ञा बन रही है, नेगेटिव एडवाइस बन रही है, और ये नेगेटिव एडवाइस क्या होती है, सभी पे लागू होती है मेरे दोस्तों, इसलिए इसका उत्तर क्या रहेगा, मस्ट नॉट। एक अक्षर और थोड़ा ध्यान में रखें आप लोग, ये क्या लिखा है यहाँ पे, नीड नॉट। क्या लिखा हुआ है ये, नीड नॉट। जब काम करने की, कार्य करने की हमको क्या है, जरूरत ही नहीं है, ऐसी अवस्था में क्या लिखा जाएगा, नीड नॉट। आज संडे है, ऑफिस बंद रहता है, जाने की जरूरत नहीं है, टुडे संडे, इट इज अ हॉलीडे, यू नीड नॉट गो टू ऑफिस, ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट नेसेसरी, इसमें क्या लिखा जाएगा, नीड नॉट। एक और ध्यान में रखें आप, वर्ड है पास्ट हैबिट,
भूतकाल की आदत, एक ऐसी आदत जो मैंने पहले मेरे साथ में थी लेकिन अब मैंने उस आदत को छोड़ दिया है, त्याग दिया है। भूतकाल की आदत को बताने के लिए या तो क्या लिखा जाएगा, यूज्ड टू, और या फिर क्या लिखा जाएगा, वुड। अब आपकी इच्छा है जो आप काम ले सकते हैं। जैसे मैं पहले बीड़ियां पीता था, तो पहले बीड़ियां पीता था मतलब अब मैं बीड़ियां नहीं पीता हूं, तो मैं बोलूंगा आई यूज्ड टू स्मोक बीड़ीज या आई वुड स्मोक बीड़ीज। तो इस प्रकार के वाक्य मॉडल्स कहलाते हैं। सारे मॉडल्स की चर्चा करना एक वीडियो में संभव नहीं है, फिर आप अगले वीडियो के हमारे साथ बने रहे। टिल देन बाय बाय।